अस्सलाम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हमारा है लेक्चर नंबर 9। इसमें हमने पढ़ना है जी फंक्शंस के बारे में, ठीक है। उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, और तीन चार प्रोग्राम्स होंगे आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आइए चलते हैं। तो उसका इंट्रोडक्शन है जी फंक्शंस का। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस फ़र्ज़ कर लो कि अगर हमारे पास कोई काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है तो उसको हम कैसे बनाते हैं, अभी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके, ठीक है। जैसे हमारी आम रूटीन में भी फंक्शंस होते हैं, हम उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप उसकी हम तैयारी कर लेते हैं और हमारे पास एक पूरा फंक्शंस बन जाता है। तो इसी तरह ये भी फंक्शन वही चीज़ है, अगर हमारे पास कोई कोड काफ़ी लेंथी हो ना, उसको हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था फंक्शंस। तो जो फंक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम इंट मेन यूज़ करते हैं ना, उसके एंड पे हम ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, तो वो भी एक फंक्शन है। फंक्शन की जो पहचान है वो यही है, ठीक है। ये जो जो ब्रेसेस आ रही है ना, ये फंक्शन जहाँ पे ये आ जाती है ना, फिर समझ लो वो भी एक फंक्शन ही है, ठीक है। जैसे सर ने कहा कि फंक्शंस आर लाइक सब टास्क, दे सी सम इंफॉर्मेशन, डू सम प्रोसेस एंड प्रोवाइड रिजल्ट। उसके बाद दो तरह के होते हैं, फंक्शंस डैट रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन डैट डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू, के वो फंक्शन जो वैल्यू को रिटर्न करता है, दूसरा वो जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। रिटर्न वैल्यू टाइप के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? रिटर्न का। देयर मे बी सम फंक्शंस विच डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, कहते हैं कि कुछ वो भी फंक्शंस हैं जो कि वैल्यू को रिटर्न नहीं करते। और ऐसे फंक्शंस के लिए हम जो कोई वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं वर्ड का, VOID वर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। रिटर्न वैल्यू टाइप इज इंटीजर टाइप। इफ़ यू डू नॉट मैंशन एनी रिटर्न वैल्यू टाइप विद अ फंक्शन, इट विल रिटर्न एन इंटेजर वैल्यू। सर कहते हैं अगर हमने कोई भी रिटर्न वैल्यू ना डिफाइन की हो तो हमें ऑटोमेटिकली इंटीजर में ही वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स डैट टुगेदर परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। एवरी सी प्लस प्रोग्राम हैज़ एट लीस्ट वन फंक्शन विच इज़ मेन। ये आपका वाइवा के लिए भी क्वेश्चन है। कहते हैं फंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं? फंक्शन आर यूज फॉर डिवाइड ए लार्ज कोड इनटू मॉड्यूल, ड्यू टू दिस वी कैन इजीली डिबग एंड मेंटेन द कोड। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास काफ़ी बड़ा कोड हो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। नीचे एग्जांपल भी दी है, कैलकुलेटर प्रोग्राम्स एट दैट टाइम वी कैन राइट एवरी लॉजिक इन द सेपरेट फंक्शन, कि हम उसका हर जो फंक्शन है वो सेपरेट लिखते हैं, जैसे कि एडिशन का, सम का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया दो टाइप्स की होती हैं फंक्शंस की, ठीक है। यूज़र डिफाइंड भी होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को यही होती है, लाइब्रेरी फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन। कुछ होते हैं यूज़र डिफाइंड। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? जिनको प्रोग्रामर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट डिक्लेयर करता है, ठीक है, बनाता है उनको। जैसे सपोज यू वांट टू क्रिएट अ फंक्शन टू फॉर एड टू नंबर्स, देन क्रिएट अ फंक्शन विद सम। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड यूज़र डिफाइन, कि जिसको यूज़र ख़ुद से ही डिफाइन करेगा, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। अब इसका आप देख लो सिंटैक्स, ये बाकी चीज़ें हैं। फंक्शन नेम है कि इसको हम नेम कैसे दे सकते हैं। तो सेल्फ डिफाइन होना चाहिए, जो भी आपका फंक्शन खुद ही डिफाइन करता हो, यूज़र को रीड करते ही समझ आ जानी चाहिए कि ये फंक्शन ये काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे स्केयर है, स्केयर रूट है, सर्कल, ठीक है। उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट क्या होती है? कि इसमें हमारे पास फंक्शन की इंफॉर्मेशन होती है जो हम इसको पास करवाते हैं। तो कुछ फंक्शन जो है वो वैल्यूज को पास इंफॉर्मेशन को पास नहीं करवाते, ठीक है। तो इस केस में जो उसकी होगी आर्गुमेंट लिस्ट वो क्या होगी? एम्प्टी होगी। उसके बाद डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट्स है। तो आगे
कॉलिंग इसकी एग्जांपल आ गई, एग्जांपल में मैंने आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये चीज़ वही सारी की सारी, ठीक है, हमने स्केल ब्लूम करना है नंबर का जो भी यूज़र इंटर करेगा। तो हम दो वेरिएबल को डिक्लेयर करवाए, रिजल्ट के नाम को, रिजल्ट को और नंबर को। तो जो नंबर यूज़र इंटर करेगा वो नंबर में आकर स्टोर हो जाएगा, जहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। यहाँ पे फंक्शन को क्या करवाया जा रहा है, कॉल करवाया जा रहा है, ठीक है। रिजल्ट जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर यहाँ पे आएगा, जो भी यूज़र इंटर करेगा उसका वो स्केल लेगा, स्केल लेने के बाद उसको कहाँ पर स्टोर करवा देगा, रिजल्ट में, ठीक है। रिजल्ट में स्टोर करवाने के बाद हमें डिस्प्ले करवा देगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो क्या करवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। तो एक चीज़ याद रखो, जो भी हमारे पास कोड होता है ना, वो हमारा चलता है राइट से लेफ्ट की जानब, ठीक है, इधर राइट से लेफ्ट की तरफ कोड का फ्लो होता है, ठीक है। पहले मतलब पहले नंबर आएगा, फिर उसका वो स्केल करेगा, फिर उसको रिजल्ट में पास करवा देगा या स्टोर करवा देगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे फिर रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, ये भी नंबर जो भी होगा उसका, और नंबर स्केल ऑफ मतलब जो भी यूज़र ने इंटर किया होगा नंबर उसका वो सिक्योर करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन बन रहा है, यहाँ पे हम फंक्शन की डेफिनेशन कर रहे हैं, ऊपर इसकी डिक्लेरेशन करवा रहे हैं, नीचे इसकी डेफिनेशन करवा रहे हैं, नीचे इसको कॉल भी करवाया जा रहा है फंक्शंस को, ठीक है। ये है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन कहाँ पे हुई है हमारी, यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे इसको क्या करवाया हमने, डिक्लेयर करवा दिया, ओके। और यहाँ पे क्या करवाया इसको हम, डेफिनेशन, जैसे सर ने बोला है, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन हो रही है, इसको रन करते हैं। कहते हैं इंटर द नंबर ऑफ टू कैलकुलेट द स्केयर, क्या वो नंबर इंटर के जिसका आप स्केयर लेना चाहते हैं, मैं करता हूँ 5। कहता है स्केयर ऑफ 5 इज 25, किसका जो स्केयर है वो कितना है, 25। तो ये था इसका छोटा सा कोड, ठीक है। उसके बाद ये भी एक फंक्शन है, ये इनलाइन फंक्शन है, ठीक है, छोटी सी इसकी भी एग्जाम्पल है इनलाइन फंक्शन। तो इनलाइन के लिए हम एक कीवर्ड भी इसका यूज़ कर लेते हैं, इनलाइन, ठीक है, ये भी कीवर्ड है। तो इसको आप चेक करना हो, इसको रन करते हैं, पहले यहाँ पे इसकी डिक्लेरेशन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो सिंपल इसको क्या करेगा, वो प्लस करके आपको स्क्रीन पे दिखा देगा जो भी इसकी वैल्यू हमने लिखी होंगी, ठीक है। एक्स भी 10 था, वाई भी 10 था, तो ये 20 होगा। ये भी छोटा सा फंक्शन है, फंक्शन की एग्जाम्पल है, ठीक है। ये इसका फंक्शन डिक्लेरेशन था, जैसे आपको मैंने वहाँ पे समझा दिया, इसकी पहले रिटर्न टाइप होती है, मीन कि वो किस टाइप का होगा, ठीक है। फर्ज कर लें इंटीजर टाइप का है या वाइड है, तो फंक्शन का नेम कुछ भी रख लें आप, मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट, ठीक है, ये फंक्शन का नेम है। तो पैरामीटर लिस्ट कुछ भी आप इसमें इंटीजर ए जो भी आपने लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी पैरामीटर लिस्ट जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको समझाया। उसके बाद एंड पे आपने ये सेमी कॉलन लास्ट में लगाना है, ये वाला। तो फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, फंक्शन का नेम आएगा, यहाँ पे वेरिएबल होगा, फंक्शन का नेम और आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे सिंपल जी एग्जाम्पल इसकी ये है, ये भी देख सकते हैं। बाकी बुक्स में सर ने काफ़ी एग्जाम्पल्स करवाई हुई हैं, ठीक है, वो तो मैंने नहीं करवानी आप लोगों को, ठीक, वो आपने खुद ही करनी है फॉर प्रैक्टिस। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम स्टेटमेंट कैलकुलेट द इंटीजर पावर ऑफ सम नंबर, के इंटीजर आपने पावर लेनी है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक रेस्ट पावर वाला करवाएंगे, फंक्शन को बनाएंगे, ठीक है। तो पावर हम कैसे लेते हैं, नंबर को नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अब ये भी सर ने कराया है सर्कल एरिया, डेफिनेशन ऑफ सर्कल एरिया। यहाँ पे एरिया लेने के लिए आपको फार्मूले का पता होना चाहिए कि हम सर्कल के एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यूज़र ने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, पाई की वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको खुद करें प्रैक्टिस इन कोर्स की, ताकि आपको बेटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 10।
टेन में। अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस ना करेंगे तब तक आप इसमें नाकाम हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।